गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का लेक्चर सेकंड थर्ड लेक्चर चल रहा है। इससे पहले लेक्चर में हमने देखे थे टाइप्स ऑफ सोलर कुकर, डेफिनेशन ऑफ सोलर कुकर। अगर वो लेक्चर किसी का मिस हो गया होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ इस वीडियो के, या वीडियो के आई का जो लिंक है बटन का, उस पर क्लिक करके आप वो लेक्चर देख सकते हो। फ्रेंड्स, टुडे आई एम डिलीवरिंग टू यू द लेक्चर ऑन सोलर डिस्टिलेशन यूनिट। व्हाट इज मीन बाय सोलर डिस्टिलेशन यूनिट, और सोलर डिस्टिलेशन यूनिट इसको और क्या कहते हैं, इसको और सोलर स्टील कहते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय सोलर स्टील और व्हाट इज मीन बाय सोलर डिस्टिलेशन यूनिट, तो ब्लैकबोर्ड पे पॉइंट बाय पॉइंट इसकी डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद मैं डायग्राम निकालूंगा, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, वर्किंग प्रिंसिपल, सब इसका इस लेक्चर में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सोलर डिस्टिलेशन यूनिट, व्हाट इज द नीड ऑफ सोलर डिस्टिलेशन यूनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय सोलर डिस्टिलेशन, डू यू नो द सोलर डिस्टिलेशन, डू यू हियर एनीवेयर द वर्ड सोलर डिस्टिलेशन? एब्सोल्युटली यस। फर्स्ट वी डिस्कस ऑन द डेफिनेशन ऑफ सोलर डिस्टिलेशन यूनिट। इट इज द डिवाइस or instrument or machine which is used for separate or conversion the saline and salty water into the pure true water by vaporization and condensation method with the help of sun radiation, sun intensity, whatever you are called as solar distillation unit or solar steam. I repeat it once again, you take out right now. It is the device or machine instrument which is used for separate the saline or salty water into pure or true water by vaporization and condensation method with the help of sun rays, sun radiation, sunlight are called as solar distillation unit or solar steam. आपको एग्जाम में सोलर डिस्टिलेशन यूनिट भी पूछ सकते हैं या सोलर स्टील ऐसा वर्ड दे सकते हैं। आपको पहचानना है ये सोलर डिस्टिलेशन और सोलर स्टील एक ही चीज है, ठीक है। अभी शॉर्ट में इसका बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है देख लेते हैं, बाद में मैं डायग्राम निकाल के वो सब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सोलर वाटर डिस्टिलेशन इज अ सिंपल डिस्टिलेशन रिप्लीकेट्स द वे नेचर मेक्स रेन। सिंपल भाषा में इसको आपको समझाना चाहूंगा, जैसा अर्थ पे रेन वाटर की प्रोसेस होती है, सेम सोलर डिस्टिलेशन में होता है। तो आगे देखते हैं क्या बोलते हैं, द वेपर प्रोड्यूस्ड बाय इवोपरेशन। इवोपरेशन कैसे होता है, जहां पे टेम्परेचर डिफरेंस होता है, अगर रूफ का टेम्परेचर ज्यादा है और स्काई का टेम्परेचर कम है तो वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस होता है, उसकी वजह से क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। आगे देखते हैं, द वेपर प्रोड्यूस्ड बाय द इवोपरेशन ऑफ सी वाटर is condensed on the cool surface of the roof of steel and the condensate is collected as a product water. जो कंडेंस हुआ जो वाटर है वो होता है आपका प्योर वाटर, वो होता है आपका ट्रू वाटर, वो होता है आपका प्रोडक्ट। यानी क्या होता है, संरेज जो आती है सोलर स्टील पे, उसके अंदर निचले वाले सर्फेस पे ब्लैकेंड सर्फेस रहता है, उसमें डर्टी वाटर, साल्टी वाटर, सलाइन वाटर रखा होता है, हुआ रहता है, वो वाटर का वेपर में कन्वर्जन होता है और वेपोराइज होता है, जो उसका रूफ रहता है उस रूफ को वो वेपर जाके टकराती है और उससे कंडेंसेशन होता है। दैट कंडेंसेस वाटर, दैट ड्रॉपलेट्स आर कॉल्ड एज प्योर वाटर और सलाइन वाटर। हम डायग्राम के जरिए इस पर देखते हैं, मैं अभी डायग्राम एक मिनट में निकाल देता हूँ।
आपने एक डायग्राम या ये डिवाइस कहीं पे भी देखा होगा, ठीक है। अभी मेरे साथ डायग्राम निकाल लीजिए। अगर आपको एग्जाम में वर्किंग प्रिंसिपल पूछा जाएगा सोलर डिस्टिलेशन यूनिट का, तो आप भी आपके नोटबुक में डायग्राम निकाल लीजिए, ठीक है। सब लोग डायग्राम निकाल लीजिए नोटबुक में। तो ये आपका डायग्राम बन गया सोलर स्टील का, सोलर डिस्टिलेशन यूनिट का। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सिंपल है। जो अर्थ पे रेन वाटर आता है, रेन का जो नेचर है, सेम उसी तरीके से ये सोलर स्टील के जरिए अपन साल्टी वाटर को प्योर करते हैं, ट्रू करते हैं, ठीक है। ज्यादातर कोस्टल जो एरिया होता है, कोस्टल एरियाज में इसका यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल कोकण रीजन इन महाराष्ट्र, वहां पे क्या होता है, अगर आप बोरवेल से वेल करो तो वहां पे नीचे जमीन के नीचे साल्टी वाटर ही वहां पे उन लोगों को मिलता है। तो उन लोगों के लिए साइंटिस्ट ने ये डेवलप किया है सोलर डिस्टिलेशन यूनिट। अभी इसमें क्या होता है, देखो ये है आपका मॉर्निंग टाइम, ठीक है। यहाँ पे आपका मॉर्निंग सेशन है, मॉर्निंग सेशन में सन इस साइड से आएगा, वहां पे ये जो सोलर रेज है अपने सोलर रेडिएशन से, ये ऑन द रूफ ऑफ सोलर डिस्टिलेशन यूनिट
वहां पे ये कलेक्ट होंगे, और यहाँ पे ये जो सरफेस है आपका ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है। इस ट्रांसपेरेंट ग्लास के थ्रू वो जो रेडिएशन है ये मॉर्निंग सेशन आफ्टरनून सेशन भी इस साइड से आएंगे, ठीक है। और आपको दो सर नहीं है, मैंने इसलिए निकल रहा है कि मॉर्निंग सेशन में सर इस साइड से आता है, आफ्टरनून सेशन में इस साइड से सन आता है, उसके सन रेडिएशन ट्रांसपेरेंट ग्लास, ये जो है आपका ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास के थ्रू अंदर सोलर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट के अंदर वो जो सोलर रेज है जो सन रेज है वो जाती है, और सन रेज जाने के बाद वो यहाँ पे डीप में आएंगे अंदर। यहाँ पे ये जो आपका ये है ये सलाइन वाटर है, ये सलाइन वाटर है, ठीक है। सलाइन वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, कोई कोई वाटर आपको हमें ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है साल्ट, ये जो है आपकी साल्ट है, डिपॉजिटेड साल्ट, ये डिपॉजिटेड साल्ट है, डिपॉजिटेड साल्ट रहते हैं, इसी की वजह से वो वाटर साल्टी होता है, ठीक है। इसमें मराठी में क्षार होते हैं, क्षार होते हैं, उसी की वजह से ये वाटर साल्टी होता है। और ये सनरेज क्या करेंगे, इसके जो डीप का सरफेस है वहां पे जाएंगे, ये मैं यहाँ पे ब्लैक किया है ऑलरेडी, वहां पे ब्लैकेंड सरफेस है। ये क्यों किया ब्लैकेंड सरफेस, आपको पता होगा ब्लैकेंड सरफेस की प्रॉपर्टी क्या है, टू एब्सॉर्ब द 99.9% सनरेज एंड रिफ्लेक्ट जस्ट ओनली 0.1%, इसकी प्रॉपर्टीज है। तो ब्लैकेंड सरफेस क्या करेगा, उसको एब्सॉर्ब कर लेगा। अगर ये एब्सॉर्ब करेगा तो यहाँ का टेम्परेचर कितना जाएगा, करीबन 100 के पास या 92-100 डिग्री सेल्सियस। अगर इतना टेम्परेचर जाता है तो आपको सबको पता है जब वाटर बॉइल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वहाँ पे क्या होता है, उसकी वेपर निकलने चाहते हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो उसका वेपोराइजेशन वहाँ पे होता है। वेपोराइजेशन होने से क्या होगा, वहाँ पे वेपर प्रोड्यूस होगी, ये मैं यहाँ पे ये वेपर प्रोड्यूस होगी और इस रूप पे जाके टकराएगी, इस रूप पे जाके टकराएगी। ये जो ड्रॉपलेट्स दिख रहे हो ये हो गए कंडेंस्ड वाटर, ओके। ये जो ड्रॉपलेट्स है ये कंडेंस्ड वाटर के आपके ड्रॉपलेट्स हैं, ये ड्रॉपलेट वहां के वहां पे आपके रूप पे जाके कंडेंस होंगे। और ये क्यों कंडेंस हो गए, क्योंकि यहां से ये जो है आपके ट्रांसपोर्ट हो गए इसके बॉटम में, तो यहाँ पे टेम्परेचर कम रहेगा, फिर भी ज्यादा रहेगा 70-80 डिग्री सेल्सियस, देखिए यहाँ पे 90, वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस आपका तैयार होगा, और टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से वाटर कंडेंस हो रहा है, वाटर कंडेंस होकर इसके ड्रॉपलेट होंगे। ये ड्रॉपलेट यहाँ पे हमने यहाँ पे पॉट रखे हुए कलेक्शन के लिए प्योर वाटर के, दोनों साइड से राइट एंड लेफ्ट साइड से, तो वहां पे आपके पॉट में प्योर और ट्रू वाटर क्लीन वाटर कलेक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एज अवर क्लीन वाटर एंड प्योर वाटर। ये होगा इसका प्रोसेस। अभी इसमें दो चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपका टेम्परेचर गया हाई, ठीक है, इस बॉक्स का टेम्परेचर हाई जाने की वजह से वो टेम्परेचर अपने को लीकेज अवॉइड करना है, इसलिए क्या है यहाँ पे इंसुलेशन दिया है। देखो ये जो है आपका, ये जो है ये आपका इंसुलेशन है, ठीक है, ये आपका इंसुलेशन है। ये इंसुलेशन क्या काम करेगा, आपका टेम्परेचर एटमोस्फेरिक टेम्परेचर में लीकेज अवॉइड करेगा। लेकिन इंसुलेशन बनता किससे है आपको मालूम है, कॉटन प्लस वूल, कॉटन प्लस ग्लास, इसे ग्लास वूल आपका मार्केट में मिलता है। ये ग्लास वूल इसमें इन डिफरेंस बिटवीन इसके इसमें ग्लास वूल भर दिया जाता है, और ग्लास वूल क्या करेगा आपका टेम्परेचर लीकेज अवॉइड करेगा। तो यहाँ पे ग्लास वूल आपको इंसुलेशन में चाहिए टेम्परेचर अवॉइड करने के लिए। यहाँ पे ये पाइप दिया है, ठीक है, ये इसके लिए ये ओवरफ्लो पाइप है, ओवरफ्लो पाइप। अगर आपके सोलर स्टील के यूनिट में या सोलर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट में अगर वाटर ज्यादा हो जाता है तो यहाँ से ये वाटर ओवरफ्लो हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये साल्ट दिख रहा है, ये साल्ट है आपका डिपोजिटेड साल्ट, ठीक है, यहाँ पे आपका साल्ट डिपोजिट होगा, वाटर पूरा कंडेंस होके प्योर वाटर मिलेगा। इसकी एफिशिएंसी मैं आपको बता देता हूँ, इसकी एफिशिएंसी है अगर आपने 40 लीटर वाटर इसमें साल्टेड डाल दिया, 40 लीटर्स यानी एग्जांपल बता रहा हूँ, 40 लीटर वाटर आपने साल्टेड डाल दिया साल्ट वाटर, तो आपको 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर मिलेगा, ठीक है। जो एमटेक और पीएचडी का स्टूडेंट रिसर्च करते हैं तो उनके रिसर्च पेपर में मैंने पढ़ा है 40 लीटर साल्टेड वाटर से आपको तकरीबन 1 लीटर आपको प्योर वाटर मिलेगा,
तो इतना इसका एफिशिएंसी आता है, आप कैलकुलेट कर सकते हो या इसका एफिशिएंसी आप देख सकते हो कितना है। तो ये हो गया आपका पूरा टोटल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सोलर स्कीम और सोलर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज मीन बाय सोलर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, गिव द एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सोलर स्कीम, तो आपको ये पूरा डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, उसका बेसिक प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा और ये डायग्राम आपको निकालना पड़ेगा और जो मैंने बताया वैसे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, तो एक बार मैं आपसे डेफिनेशन रिपीट कर देता हूँ। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज फॉर, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज फॉर सेपरेशन और कन्वर्जन ऑफ सलाइन डर्टी और साल्टी वाटर इन टू द प्योर वाटर, क्लीन वाटर, ट्रू वाटर बाय इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन मेथड विद द हेल्प ऑफ सनरेज, सनलाइट, सोलर इंटेंसिटी आर कॉल्ड एज सोलर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट और सोलर स्टीम। ये आपको पूरा डेफिनेशन और ये डायग्राम आपको एग्जाम में लिखना है। एक दो मिनट में मैं आपको इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बता देता हूँ। क्या हो सकते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कोई बताएगा मुझे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं इसके, कोई बताएगा? सिंपल है, इसका क्या है, मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है, इसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती। तो क्या है पहला एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ सोलर डिस्टिलेशन यूनिट, इसका इसमें कुछ ज्यादा पार्टी नहीं है, तो इसका आएगा लो मेंटेनेंस। और क्या आएगा, इसका वेट भी कम है, अपन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो क्या आएगा, इजी टू ट्रांसपोर्ट, इजी टू ट्रांसपोर्ट, हैंडल करना भी बहुत इजी है। क्या होगा अगर आपने एक बार आपका साल्टी वाटर कन्वर्ट कर लिया तो इसमें क्या है, साल्ट डिपॉजिट होंगी, वो सिर्फ आपको निकालना है, वो कवर निकाल के, तो क्या होगा, इजी टू हैंडल। और साइंटिस्ट ने कहा है कि जो साल्ट वाटर है इससे इसका टेस्ट बेटर रहेगा, तो क्या आएगा फोर्थ नंबर का, वाटर टेस्ट इज क्लेम टू बी बेटर सिंस द डिवाइस एक्ट्स एज अ सोलर वाटर वेपोराइजर एंड इट डजंट बॉइल द वॉटर। यानी क्या होता है इसमें, आपके वॉटर का टेस्ट जो होता है वो प्योर ही है, सिंपली आपको लगेगा, क्यों, क्योंकि ये वॉटर को बॉइल नहीं करता, एक्चुअली ये वॉटर को बॉइल नहीं करता। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लाइट चली गई, फिर भी आपको थोड़ा देखने में दिक्कत होगा, फिर भी आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। अभी ये हो गए इसके एडवांटेज, अभी डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस के क्या हो सकते हैं, कोई बताएगा? सिंपल है, अगर आपके सलाइन वाटर में बैक्टीरिया है तो ये तो किल नहीं से कर सकता ना, ये तो फिल्टर थोड़ी है आपका, फिल्टर तो नहीं है ना, तो ये इसका डिसएडवांटेज है, डोंट किल द बैक्टीरिया ऑफ सलाइन वाटर और डर्टी वाटर। ठीक है, नंबर सेकंड आएगा, इट डिपॉजिटेड साल्ट्स एट द बॉटम ऑफ बॉक्स, सो इट क्रिएट्स कोरोजन। सिंपल है, अगर
सलाइन वाटर के साथ बॉक्स के डीप में बॉटम में डिपॉजिट करता है तो क्रिएट्स कोरोजन, कोरोजन होगा इसको जंग लगेगा, ठीक है। तो ये हो गए इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी याद करना है, लर्न करना है, एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा सोलर डिस्टिलेशन यूनिट, सोलर स्टील। इसके दो टाइप है बेसिकली, मैं आपको बता देता हूँ, इसके दो टाइप है, सिंपल है। ये आपका लिखना होगा तो लिख लीजिए, क्या होता है, साइंटिस्ट बेसिकली रिसर्च करते रहते हैं, मैंने आपको ऐसा बताया, ठीक है। इस नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, ये हो गया आपका फर्स्ट लूप सेकंड लूप, ठीक है। अगर इसके मैं दो पार्ट कर देता हूं, यानी इसको मैं, ये हो गया आपका डबल बेसिन और रूफ, डबल बेसिन और डबल, ठीक है। और मैंने सिर्फ इतना ही यहां पे संग्रह जाएंगे, यहां पे आपको, तो ये हो गया आपका सिंगल रूफ, सिंगल रूफ और सिंगल बेसिन, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रूफ और ऑन द बेसिस ऑफ बेसिन, देयर इज टू टाइप्स ऑफ सोलर डिस्टिलेशन यूनिट। नंबर वन इज द सिंगल रूफ और सिंगल बेसिन, नंबर सेकंड इज डबल बेसिन और डबल रूफ सोलर डिस्टिलेशन। ये आपको जस्ट याद रखना है, अगर एग्जाम में टाइप्स पूछे गए या आपको क्वेश्चन ज्यादा मार्क के लिए आए तो आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोलर डिस्टिलेशन यूनिट, सोलर स्टील। अगर कुछ डाउट है तो वीडियो के कमेंट में मुझे कमेंट करिए, मैं उसका आंसर देते रहूँगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड, अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।